ADBENCFR 3 medians of a triangle ABC. Let us prove that the centroid of triangle ABC and DEF are the same point. इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको फिगर से बता देती हूँ. हमारा क्वेश्चन है कि ट्रायंगल जो है वो आपका ABC दिया हुआ है. ये आपका A, B and C जो है ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है. इसका तीन मीडियन है, एक मीडियन है AD, BE थोड़ा सा ये गलत बन गया मेरा, ADN ये हो गया हमारा CF, ठीक है. ये तीन मीडियन है आपका, तीन मीडियन है आपका ABC का. अगर तीन मीडियन है आपका तो ये और ये, ये और ये आपका क्या होगा, आपका BC का मिड पॉइंट हो जाएगा. D जो E होगा AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, और F जो होगा वो आपका AB का जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा. इसमें आपको बोला जा रहा है कि ये जो ABC का जो बड़ा वाला ट्रायंगल का जो आपका सेंट्रॉयड होता है, और अगर आप ज्वाइन करोगे DEF, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, अगर आप DEF छोटा वाले को भी ज्वाइन करोगे तो आपका जो है ये G जो है ये बड़े वाले का भी सेंट्रॉयड हो जाएगा, और जो G जो है वो आपका छोटा वाला का भी जो है वो सेंट्रॉयड हो जाएगा. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, G तक तो है ये, इस पॉइंट को हम H लिख देते हैं, H I और यहाँ पे आपका J, ठीक है, H I and J, ये तीनों पॉइंट हो गया, ठीक है. तो यहाँ से आप देखोगे आपका गिवन क्या है, गिवन है कि D E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए बी सी ए सी एंड ए बी, ठीक है. ये तीनों इसका मीडियन हो गया. आपको प्रूफ करना है क्या, और क्या लिखा हुआ है इसमें, कि जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ये जी जो है वो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी का जो है वो सेंट्रोइड हो गया. आपको प्रूफ करना है कि जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है. आपको ये प्रूफ करना है. यहाँ पे आप देख लो सॉल्यूशन में, अब हम क्या कर लिखना क्या करना है आपको. आप यहाँ पे देखोगे कि F and E are mid point of AB and AC, ये दोनों मिड पॉइंट है. तो by मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू आपका BC हो जाएगा, एंड EF इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BC हो जाएगा, ठीक है. ये आपका हो गया. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि EF जो है वो आपका ये EF जो है वो 1/2 ऑफ BC है, EF पैरेलल टू आपका BD भी हो जाएगा, और EF इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा, क्योंकि BD इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो
आपका इक्वल पार्ट्स में, इसका ये हाफ है और ये दोनों आपस में हाफ है, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा इन क्वाड्रिलेटरल ई एफ बी डी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल्स, सो अपोजिट साइड्स आपका इक्वल एंड पैरेलल है, सो ट्रायंगल, सो क्वाड्रिलेटरल एफ ई डी बी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो है वो आपका पैरेललोग्राम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अगर ये जो है वो आपस में आपका पैरेललोग्राम हो गया है और ये जो है वो आप ये पैरेललोग्राम हो गया है, तो आपका बी ई एंड एफ डी आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम एफ ई डी बी एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो एफ डी इज इक्वल्स टू एफ आई इज इक्वल्स टू आई डी हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट मिल गया। सिमिलरली आप इसको एच ई सी डी इज पैरेललोग्राम, सिमिलरली आप वैसे ही प्रूव कर लो कि जैसे इसको किए हो कि ये जो है आपका इसके इक्वल है, इसके बराबर है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये और ये जो है आपका ये जो है वो डायगोनल्स हो जाएगा, आप ये ई जी इज इक्वल्स टू जी बी जी डी, ये आपका डायगोनल्स हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन मिल गया, ई जी इज इक्वल्स टू जी डी, ये आपका इससे आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दो इक्वेशन मिल गया। अब आप सिमिलरली आप देखोगे इस ट्रायंगल को लेकर आप इसमें किसका प्रूफ करोगे, तो ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा पूरे के, और ये इसके पैरेलल और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है आपका ए ई जी एफ जो है वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, और आपका एफ एच इज इक्वल्स टू एच ई हो जाएगा, ये आपका डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इससे आपको मिल जाएगा पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, ये आपका थर्ड इक्वेशन मिल गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिल गया फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से, हमें मिल गया कि आपका एच डी आपको यहाँ से मिल जाता है इस इक्वेशन से, एफ आई इज इक्वल्स टू आई डी, सो आपका ई आई इज मीडियन, ई एच इज इक्वल्स टू एच एफ, सो डी एच इज मीडियन, एंड और एक मिल जाएगा आपका जी डी इज इक्वल्स टू जी ई, इससे आपका मिल जाएगा कि एफ जी इज मीडियन। तो इससे आपका तीनों मीडियन हो गया, और तीनों एंड
एंड 3 मीडियन, एफ आई डी एच एंड एफ जी इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी. सो जी इज सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ऑल्सो जी इज सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ये हो गया आपका आंसर कि ये बड़े वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉयड है और ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉयड है. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे. हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा 17 का. लेट अस प्रूव दैट टू मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड मीडियन. इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो दो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो टुगेदर क्या होता है आपका थर्ड मीडियन से जो है वो अधिक होगा. तो इसके लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो आप डायग्राम बना लो. आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये. हमारा डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा. आप पहले दो एक ट्रायंगल बना लो. ये ट्रायंगल ए हो गया, ये ट्रायंगल बी हो गया एंड ये ट्रायंगल सी हो गया. इसका मीडियन जो है ये डी मीडियन हो गया, बी ई मीडियन हो गया एंड सी एफ. ये तीन जो है वो मीडियन हो गया. इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है हमारा क्या कि जो दो मीडियन है या तो उसको आप बी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन ए डी कर दो, या तो ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन सी एफ, या तो हो जाएगा ए डी प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन बी ई. मतलब कोई भी आपका दो मीडियन का सम जो है वो आपका तीसरे मीडियम जो है वो टुगेदर आप कर दोगे तो आपका तीसरे मीडियम से जो है वो अधिक होगा. तो यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है. ये प्रूफ करने के लिए चलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, गिवन है आपका ए डी बी ई सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड आपका ये जो पॉइंट है तीनों का, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो आपका जी इज सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी. आपका जी जो है वो सेंट्रॉयड हो जाएगा. इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो करना पड़ेगा. आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो इस तरीके से. कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड डी टू एच इक्वल टू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक आप एक्सटेंड कर दो एंड जॉइन बी टू एच एंड सी टू एच. यहाँ पे आप इसको जॉइन कर दोगे तो यहाँ पे ये आप जॉइन कर दिए. यहाँ पे ए जितना आपका ए जी होगा उतना ही आपका जी एच जो है वो आप इसको एक्सटेंड जो है वो आप करोगे. ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये इक्वल टू. थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है लेकिन आपको इस तरीके से जो है वो ज्वाइन करना है कि आपको इसके बराबर जो है वो आपका दिखे. इस तरीके से आप ज्वाइन करो कि आपका जो है ए जी और जी एच जो है वो आपका इक्वल जो है वो आपका लेंथ में जो है वो दिखे. ठीक है,
अब आपको सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। आप यहाँ पे देखोगे ये जो है वो आपका मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट पे जो है वर्टेक्स से ज्वाइन करेगा, तो जो ये होगा वो जो ये जो है वो आपका इतना होगा, ये इक्वल टू आपका ये इक्वल टू होगा एंड ये इज इक्वल टू दिस होगा, ठीक है। इतना मीडियन है तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखोगे इन ट्रायंगल ए बी एच में, ट्रायंगल ए बी एच में आप देखोगे एफ एंड जी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए एच, ये जो है वो तो आपका मीडियन था तो इसका मिड पॉइंट था ही, और इसको एक्सटेंड किए थे तो जो जी जो है वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ए एच के, ठीक है। तो ये जो है इसका मिड पॉइंट है, ये जो है इसका मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या मिल जाएगा, एफ जी पैरेलल टू बी एच एंड एफ जी इज इक्वल्स टू वन हाफ ऑफ बी एच, ठीक है। अगर एफ जी आपका पैरेलल है बी एच से तो पूरा का पूरा आपका एफ सी जो है वो भी पैरेलल हो जाएगा आपका बी एच से, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये पहला इक्वेशन मिल गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि इस ट्रायंगल में आपको ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए सी एच, ए सी एच में ई एंड जी आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए एच, ए सी और ए एच के जो है वो मिड पॉइंट ई है और आपका जी है, तो यहाँ से आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे आपका एफ सी पैरेलल टू बी एच हो जाएगा, तो यहाँ से आपका माय मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका हो जाएगा, आपका माय मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा जी ई पैरेलल टू सी एच एंड जी ई इज इक्वल्स टू वन हाफ ऑफ सी एच। अगर आपका जी ई पैरेलल टू सी एच है तो ये आपका बी ई पैरेलल टू बी ई पूरा का पूरा पैरेलल टू बी ई पैरेलल टू आपका जो है वो सी एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी एच, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। आप यहाँ पे देखोगे इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल बी जी सी एच, ये पूरा का पूरा ये पैरेलल है तो बी जी पैरेलल टू सी एच है एंड आपका इस इक्वेशन से हमको मिल गया था एफ सी पैरेलल टू बी एच है तो आपका जी सी पैरेलल टू आपका बी एच भी हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया है, इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है, बाई इक्वेशन वन एंड टू वी गेट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, सो आपका अपोजिट साइड पैरेलल है तो बी जी सी एच इज पैरेललोग्राम, ये आपका यहाँ से आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पैरेललोग्राम मिल गया यहाँ से। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये आपको पैरेललोग्राम मिल गया तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखोगे कि
यहाँ पे आप देखोगे, ये सब ट्रायंगल में देखोगे कि यहाँ से आप देखोगे कि बी एच इज इक्वल्स टू जी सी है, ठीक है। तो हो जाएगा बी जी प्लस ए जी इज ग्रेटर देन सी जी, और अगर ये आपका ये ग्रेटर देन है तो यहाँ से मिल जाएगा बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए डी, और ये जो है वो आपका बी जो है वो प्लस सी ई बी प्लस सी एफ, यहाँ पे सी एफ इज ग्रेटर देन जो है ए डी हो गया। तो आपका यहाँ से प्रूव हो गया, प्रूव हो गया यहाँ पे कि टू मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड मीडियन। यहाँ से आपका आंसर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या। हमारा क्वेश्चन है ए डी बी ई एंड सी एफ आर थ्री मीडियंस ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी। लेट अस प्रूव दैट 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ई ए। एंड सेकेंड आपको क्या प्रूव करना है, ये जो है वो सेकेंड आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए चलिए मैं डायग्राम से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा डायग्राम हो गया ए बी एंड सी, ये हमारा डायग्राम हो गया। इसमें आपका जो है वो तीन मीडियन दिया हुआ है, तो आप इसको ड्रॉ कर लो। इसमें आपका ए डी मीडियन दिया हुआ है, बी ई मीडियन दिया हुआ है एंड सी एफ जो है वो मीडियन दिया हुआ है। अगर ये मीडियन है और तीनों इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो ये आपका जी हो जाएगा, और जी जो है वो आपका सेंट्रॉयड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गिवन क्या है, गिवन है आपका ए डी बी ई सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का ये मीडियन है एंड जी इज सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जी जो है आपका सेंट्रॉयड हो गया, ये मीडियन है तो ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये आपका यहाँ से हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहले प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट जो है वो हमें प्रूफ करना है 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका पहला जो है ये प्रूफ करना है। इसके लिए आपको सोल्यूशन यहाँ पे अब क्या मिल जाएगा, आप यहाँ देखोगे कि जी जो है वो सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड आपको पता होना चाहिए। सेंट्रॉयड जो है आपको 2:1 में जो है वो आपका डिवाइड करता है। जी इज सेंट्रॉयड डिवाइड्स द ए डी इन 2:1, इसका 2:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, या ये 2:1 में आपका बी का भी डिवाइड करेगा, और ये आपका 2:1 में आपका सी एफ का भी जो है वो आपको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप बी जी अपॉन बी ई करोगे, बी जी क्या हो गया 2, और बी पूरा का पूरा 3 हो जाएगा क्योंकि 2:1 है, तो ये 2 और ये पूरा का पूरा 3, तो बी जी आपका 2 और बी आपका 3, तो बी जी यहाँ से आपको मिल जाएगा 2/3 बी ई। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा यहाँ से। फिर आप सेकंड देखोगे कि आपका इस चीज़ में सेंट्रॉयड, जब आपको यहाँ पे तो आपका बी का सेंट्रॉयड है, अब आप यहाँ देखोगे तो आपका मिलेगा यहाँ पे सेकंड जो है वो आपको मिलेगा सी जी अपॉन
CF इज इक्वल्स टू टू रेशियो श्री जी जो टू है टू रे अपॉन थ्री, यहाँ से आपका CG इज इक्वल्स टू हो जाएगा टू अपॉन थ्री CF। CG और CF हो जाएगा, तो ये आप सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लो, ठीक है। आपको यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गया। यहाँ से इन ट्रायंगल BGC में आप देखोगे कि BG प्लस GC इज ग्रेटर देन आपका BC हो जाएगा, ठीक है। BG प्लस GC इज ग्रेटर देन आपका BC हो जाएगा, सम ऑफ टू साइड्स, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो दो साइड को मिला के आपका तीसरे साइड से जो है वो अधिक होता है, तो यहाँ से आपको ये रब कर दोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा BG की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो 2/3 BF प्लस आपका CG का वैल्यू कितना है, तो 2/3 CF इज ग्रेटर देन BC। यहाँ से आपको ये पूरा जो आपने ये सॉल्व किया तो यहाँ तक ही आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ तक मिलने के बाद ये जो है वो 2BF प्लस 2CF, और इसको अगर आप इस साइड से इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3BC, ये 3BC आपको ये मिल गया, ठीक है। तो ये 3BC यहाँ से मिल गया। इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 1-2 लिए थे, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या ले लो, ये आपको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से जैसे आपने इसको किया है BC को करके किया है, सेम आप उसमें AC जो है AC की वैल्यू आपको सेम इसी तरीके से लेनी है, और AC की वैल्यू जब आप लोगे तो आपको इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ये जो है आपका AG जो है और जो है GC सेम इसी तरह 2:1 आपका जो है वो AD जो है वो 2:1 आपका AD जितना होगा उसी तरीके से जब आप सेम किए थे, सिमिलरली जब आप ऐसे करोगे BC ले लिए AC ले लो और AB ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, जो आप ट्राई कर लेना खुद ही, मैं बस आपको जो आएगा वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो आपको यहाँ से आपका CA क्या आ जाएगा, ये आपका CA आ जाएगा 2AD प्लस 2CF इज ग्रेटर देन 3CA। आप इक्वेशन नंबर 5 इसको ले लो, ये इससे आ जाएगा। फिर इसको जब आप AB को करोगे तो यहाँ भी आपका AG जो है एक हो जाएगा और आपका BG जो हो जाएगा, तो उस वो सब का वैल्यू जब आप रखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2BE प्लस 2CF इज ग्रेटर देन 3BC। आपको इक्वेशन नंबर 6 यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 मिल गया। अब जब ये तीनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, आप तीनों इक्वेशन क्योंकि आपको AB प्लस BC प्लस CA करना है तो आप इसको इस साइड से प्लस कर दो और इसको आप इस साइड से प्लस कर दो, तो आप इसको आप इस साइड से प्लस करोगे और इसको इस साइड से प्लस करोगे तो ये मिल जाएगा 2BF प्लस, मैं इतना इधर से लिखना शुरू करती हूँ ताकि आपको पता चले, 2BF प्लस 2CF प्लस 2AD प्लस 2CF प्लस 2BE प्लस 2CF इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे लिख लो 3BC प्लस 3AC प्लस 3BC। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 2 है BF, ये भी आपका BF यहाँ भी है, BE यहाँ भी है, BE यहाँ पे भी है, CF यहाँ पे भी है, CF यहाँ पे भी है, AD यहाँ पे भी होगा और AD यहाँ पे भी होगा। तो आपको सारा जो है वो आपको थोड़ा सा एरर हो गया है मेरा, यहाँ पे मैं BC दो बार लिख दी, सॉरी यहाँ पे 2BE प्लस 2AD हो जाएगा, AD हो जाएगा और ये
ए बी हो जाएगा, तभी तो होगा ए बी सी। तो यहाँ से टू बी ई प्लस सी एफ प्लस ए डी प्लस सी एफ, फिर यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे आपका ए डी हो जाएगा और यहाँ पे आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हर चीज़ आपको दो दो जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कर लोगे फोर फोर बी ई प्लस फोर सी एफ प्लस फोर बी ई, और यहाँ से आपको थ्री मिल जाएगा। ए बी कॉमन ले लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे फोर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा बी ई प्लस सी एफ प्लस ए डी इज ग्रेटर देन थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही जो है आपको प्रूफ करना है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे प्रूफ कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा पहला। देखते हैं कि हमें सेकंड क्या प्रूफ करना है। हमारा सेकंड जो है वो हमें प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन टू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप देखोगे इसमें इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में आपको क्या मिल जाएगा, ए सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो यहाँ से आपको ए सी प्लस सी डी प्लस इज ग्रेटर देन ए डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जो ए सी है, सी डी जो है, सी डी जो है वो, ये डी जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये जो है सी डी को आप लिख दो वन अपॉन हाफ बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, वन अपॉन हाफ इज इक्वल्स टू दिस ए डी, इस तरीके से आप लिख दो। सेम उसी तरह आपको क्या लिखना है, ये ए डी का लिख दिए, सेम उसी तरह आप यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर वन ले लो और सेम उसी तरह आप इस ठीक उसी तरह आप जो है वो ये ले लो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी एंड ई ले लो, ए बी एंड ई ले लो ए बी ई, इसमें आपको मिल जाएगा ए बी प्लस ए ई इज ग्रेटर देन बी ई। यहाँ पे ए बी प्लस ए ई जो है वो आपका वन अपॉन हाफ ए सी है इज ग्रेटर देन बी ई। आप यहाँ पे देखोगे कि ए बी ई आपने जब लिया तो ए बी प्लस आपका ए ई इज ग्रेटर देन बी ई हो गया, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, उसी फॉर्मूले से आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए ई जो है वो ई जो है वो मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट है ए सी का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप ए ई की जगह वन हाफ ए सी लिख लो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप टू ले लो, ये आपका दो इक्वेशन मिल गया, एक मिल गया ए सी प्लस वन अपॉन हाफ बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, सेकेंड मिल जाएगा आपका ए बी प्लस वन अपॉन हाफ ए सी इज ग्रेटर देन बी ई, ये दो इक्वेशन मिल गया। अब आपको जो है वो आपका थर्ड पे चलना है, तीन इक्वेशन आपको लेना है। अब आप चलोगे इन ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ सी में आपको क्या मिल जाएगा, बी सी प्लस बी एफ इज ग्रेटर देन सी एफ। ठीक है, इज ग्रेटर देन सी एफ, यहाँ पे
sum of two sides of a triangle is greater than third side. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप BC के जगह पे, आप BF के जगह पे आप 1/2 AB लिखोगे और आपका ये CF हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया. आपका पहला इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया और तीसरा इक्वेशन जो है वो ये मिल गया. अब तीनों इक्वेशन को आप इस तरीके से जो है वो बाई एडिंग आप प्लस कर दो. बाई एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इससे इधर का इधर हमें मिल जाएगा AC प्लस 1/2 BC प्लस AB प्लस 1/2 AC प्लस BC प्लस 1/2 AB इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF. यहाँ तक हम मिल गया. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको आप ये सारे को आप सॉल्व कर लो तो आपका हो जाएगा ये AC प्लस 1/2 AC प्लस BC प्लस 1/2 BC और ये AC BC लिख दिए हो, AB प्लस 1/2 AB इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF. आप इसको क्या करो, LCM ले लो इसको, तो ये हो जाएगा 3 AC/2 प्लस 3 BC/2 प्लस 3 AB/2 इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF. ठीक है, यहाँ से आप इसको इस साइड शिफ्ट कर दो तो ये आपको मिल जाएगा 3 AC प्लस 3 BC प्लस 3 AB इज इक्वल्स टू 2 AD प्लस BE प्लस CF. यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे तो ये आपको मिल जाएगा AC प्लस BC प्लस AB इज इक्वल्स टू 2 AD प्लस BE प्लस CF. और यही जो है आपको प्रूफ करना है, तो इस तरीके से इसको आप प्रूफ कर लोगे कि आपका ये LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है. इस तरीके से आपको आंसर आ जाएगा.